तो फाइनली गाइस मेरा ये फ़ोन आ गया है और फ्लिपकार्ट वाले भैया का फ़ोन आया था मेरे पास कि आप कब एक पार्सल आया है। तो मैंने सोचा कि भाई क्या पार्सल होगा, तो मैं नीचे गया तो फिर वो बोले आपका फ़ोन आया है, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो फिर अब उनसे ही हमने कह दिया कि आप ही अनबॉक्सिंग कर दो इसकी, तो अब वे करने लग रहे हैं। फाइनली गाइस हमारा फ़ोन अनबॉक्स हो चुका है जो कि ब्लैक कलर में मंगवाया हमने और इसका नाम है रेडमी 9A। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यतीन जंगाला और मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि है रेडमी 9A स्पोर्ट्स के ऊपर, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है ये फ़ोन। और ये इसका डिब्बा है, ये हमने पहले अनबॉक्सिंग कर ली थी इसकी जब डिलीवरी बॉय आया था, उसके सामने खोल लिया था। और ये देखो ऐसे कार्ड की पूरी बैजिंग है, इस पर टेपिंग है और ये हमारा फाइनली है रेडमी 9A स्पोर्ट्स। और ये कुछ इसके बारे में कि इतने रुपए का, इतनी इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि वन फ़ोन है, अडेप्टर है, केबल है, ये सारी चीज़ के बारे में है। और इस साइड में हमें लिखा मिलता है रेडमी 9A स्पोर्ट्स और पीछे स्पेसिफिकेशन है फ़ोन के अंदर जो है, जैसे कि 4 GB रैम है और 64 GB और 128 GB के अंदर ये अवेलेबल है रैम में, और 5000 mAh की बैटरी है। और मीडिया टेक हेलो G25 प्रोसेसर है इसका, हाई परफॉर्मेंस। और ये इसके बारे में कुछ हमने ब्लैक कार्बन में मंगवाया है इसका कलर। तो आइए गाइस देखते हैं कैसा है अंदर से। तो फाइनली गाइस ये हमारा फ़ोन है, ऐसे मिलता है पन्नी के अंदर कवर हुआ। और पहले डिब्बे को रखते हैं साइड में। पहले अब फ़ोन को साइड में रखते हैं, अब देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो गाइस, एक तो हमें अडेप्टर मिला है 5 वोल्ट का, और ये हमें डाटा केबल मिली है जैसे कि नॉर्मल फ़ोन में आती है। और इसके अंदर हमें कुछ इसके वो मिल जाते हैं, गाइड मिल जाती है हमें इसकी गाइड, ये जैसे कि मैनुअल होता है, इसको भी साइड में रखते हैं हम अपने आते हैं फ़ोन के ऊपर। ये हमें एक सिम निकालने का टूल मिल जाता है। और फाइनली इस अब डिब्बे को रखते हैं साइड में। तो ये हमारा फ़ोन हैगा, देखो गाइस ये फ़ोन हमारा ब्लैक में मंगवाया था हमने, ब्लैक कलर में। और इसके अंदर हमें मिलता है 4 GB रैम, 64 GB रोम और एक्सटर्नल जैसे कि हम SD कार्ड लगाए तो 512 GB तक सपोर्ट कर सकता है ये। और इसकी स्क्रीन हैगी 16.59 सेंटीमीटर और HDF फुल डिस्प्ले, और 13 MP का रियर कैमरा है और फ्रंट का 5 MP का है, और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है हमें इसके अंदर। और मीडिया टेक हेलो G25 प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर, और ये हमें पड़ा था 7600 रुपये का मिला था हमें। अब देखिए और 4 GB का है। तो हमारा फ़ोन चालू हो चुका है, अब इसको सेटअप करते हैं हम। देखो इंग्लिश है तो इंग्लिश करो, और इंडिया है, फिर हमें पूछता है ये यूज़र एजेंट, फिर यहाँ कर दो, ये कीपैड के बारे में बोल रहा है और यूज़र गाइडलाइंस, तो इन दोनों को कर दो आई विल एग्री। और अब ये स्किप दी सेटअप, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, यहाँ पे बाद में जोड़ लेंगे वाईफाई अपना। और एक्सेप्ट करते रहो जो भी चीज़ें मांगे, स्किप। अब चल चुका ये। अब ये लोडिंग ही हो रही है। तो फाइनली गाइज हमारा फ़ोन चल चुका है, और इसको ऑन करते हैं। ये देखो ऑन हो चुका है हमारा फ़ोन, देखो बढ़िया चल रहा है फ़ोन हमारा। और अब आपको इसका कैमरा दिखाते हैं कैसा कैमरा है। ये देखो कुछ खास कैमरा नहीं है, जैसे कि 13 MP है पर काम चला हुआ है, मतलब कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं कह सकते हम इसको, पर ठीक ठाक है कैमरा। देखो जैसे कि अब आप फ़ोन के अंदर देख ही रहे होंगे,
अब ये फ़ोटो मैं साइड में लगा दूंगा इस वीडियो में, आप देख लेना। और एक दो रैंडम क्लिक भी करके साइड में लगा दूंगा वीडियो में। और ये कैम भी है, जैसे कि फ़ोन है ये 7000 रुपये में, तो वैल्यूएबल फ़ोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 4 GB रैम मिल रही है इसके अंदर, और क्या चाहिए आपको। तो सबसे बढ़िया मतलब फ़ोन अच्छा है ये, और लाइट वेट है इसका, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और साइड में मिलती है हमें ट्रे, मिलती है सिम की ट्रे, ऊपर जैक मिल जाता है हमें ऑडियो केबल लगाने का, जैसे कि लीड हो गई ऐसे। और इसके अंदर यहाँ पे मिलते हैं हमें पावर बटन मिलते हैं, ये रहा पावर बटन, और ये हमारे वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं। नीचे हमें स्पीकर मिल जाता है, एक चार्जिंग करने का मिलता है, एक माइक मिलता है। ये फ़ोन है और ठीक है फ़ोन, बढ़िया है, रेडमी 9 स्पोर्ट्स। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो।